brought to you by Physics Wala. साथी सुनील जी ने ही अपने को विड्रॉ किया और आखिरी समय पर अगर सुनील जी लड़ रहे होते तो आज हम उनका नामांकन और प्रचार करने के लिए आपके बीच होते और मैं ही नहीं सुनील जी भी पार्टी से उम्मीदवार होते तो शायद मुझसे भी बड़े वोटों से चुनाव जीते होते क्योंकि समाजवादी सरजमी है यहाँ कैंडिडेट तो बाद में वो तो अब लोगों ने मौका दे दिया लोगों ने चेहरे के तौर पे मुझे स्वीकार लिया ये लोगों का बड़प्पन है यहाँ के आजमगढ़ के लोगों का यहाँ की पार्टी की लीडरशिप का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अदरवाइज़ तो यहाँ पे जो भी पार्टी से उम्मीदवार और साइकिल में सवार होकर आता निश्चित तौर पर देश की लोकसभा तक आजमगढ़ के लोगों ने हमेशा पहुँचाया फिर पहुँचाते प्रशासन पे सवाल उठ रहा था लेकिन हमारी रिटर्निंग अफसर निर्वाचन अधिकारी से बात हुई उन्होंने कहा कि दो नागरिकता हो या दो वोटर लिस्ट हो या तीन हो उससे नहीं वोट तो एक ही जगह डालेगा और इससे निर्वाचन निरस्त नहीं हो सकता था। देखिए कुछ शंकाएं थी ऐसा नहीं है कि और बहुत सारी चीज़ें हम आपके बीच नहीं कही लेकिन हाँ सुनील जी ने खुद बातें की कुछ तकनीकी दिक्कतें थी अन्यथा तो वो उम्मीदवार थे ही हमारे और मैं तो कल नॉमिनेशन कर पाया वो पहले कर चुके होते। नमस्कार मैं हूँ राजीव कुमार और इस वक्त आजमगढ़ की बनी जो सुर्खियाँ थीं समाजवादी पार्टी को लेकर अब अटकलें खत्म हुई नामांकन भी हो चुका धर्मेंद्र यादव जी ने अपना नामांकन कर लिया है और जगह जगह वो इलाके में जा रहे हैं कैंपेनिंग कर रहे हैं आम जनता से मिल रहे हैं किस तरीके से लग रहा है तैयारी? मैं समझता हूँ ये मेरा सौभाग्य है कि पार्टी ने मुझे मौका दिया आजमगढ़ के लोगों के बीच आने का और जहाँ तक चुनाव का सवाल है समाजवादी पार्टी को यहाँ के लोगों ने हमेशा अपना सहयोग दिया है समर्थन दिया है बुज़ुर्गों ने आशीर्वाद दिया है इस चुनाव में भी बहुत बेहतर परिणाम के साथ समाजवादियों को लोग भेजेंगे ये पूरा यकीन है। खासतौर पे अब आजमगढ़ की जो तैयारी है एक तरीके से नाक की सीन बनी हुई है जिस तरीके से परिवार में नेताजी रहे चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अब आपको भी इस तरीके की बातें में सामने लाया गया तो क्या कहना होगा अब आपकी क्या? मैं आजमगढ़ के लोगों को आपके माध्यम से यही भरोसा दिलाता हूँ जिन रिश्तों की को नेताजी ने बनाया और जिन जज्बाती रिश्तों से हमारे परिवार और पूरे हमारे ही नहीं बल्कि पूरी समाजवादी विचारधारा के साथ इस ज़िले के लोगों का जुड़ाव रहा है उस परंपरा में लोगों ने मुझे मौका दिया हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे बड़ों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको हम और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आजमगढ़ के लोग चूँकि मैं उम्र में भी छोटा हूं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से माननीय नेताजी से तो मैं समझता हूं मुझे और ज़्यादा दुलार मिलेगा ये मैं उम्मीद लगा के आजमगढ़ के बीच आया हूँ और आजमगढ़ वालों ने कभी समाजवादी को ना उम्मीद किया नहीं तो इस चुनाव में कैसे करेंगे? अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से आप बदायूं में रहे मैनपुरी में रहे जिस तरीके की वहाँ की स्थितियाँ रहें चलिए आजमगढ़ में क्या आपको लगता है कि चार छः चीज़ों के बाद आगे और बेहतर परिणाम की उम्मीद है? कुछ चुनाव में जहाँ बदायूं मैनपुरी के भी लोग बेहतर परिणाम नहीं दे पाए वहाँ भी आजमगढ़ के लोगों ने सवाल विकास से विकास से जो नेताजी मैं खुश नसीब हूँ उस धारा और विचारधारा के बीच में हूँ कि आजमगढ़ की एक एक ईंट पर समाजवादियों का नाम लिखा है आजमगढ़ में समाजवादियों के अलावा किसी ने विकास किया ही नहीं चाहे वो यहाँ का आप शुरुआत करें कमिश्नरी से या यहाँ के मेडिकल कॉलेज से जिसको पीजीआई के तौर पे लोग जानते हैं या यहाँ की किसान शुगर मिल की बात करें या लखनऊ से अब ढाई घंटे में पहले आजमगढ़ 6 घंटे लगते थे आज 2 से 2.5 घंटे के अंदर लखनऊ में पहुँचते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उसका भी पूरी रूपरेखा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रखी हुई है यहाँ का आपका जो इंजीनियरिंग का विश्वविद्यालय हो या जहाँ पर हम लोग खड़े हैं कलेक्ट्रेट की सामने बिल्डिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ के आजमगढ़ की एक एक ईंट पर समाजवादियों का नाम है और समाजवादियों का किया हुआ काम है। धर्मेंद्र जी आप बेबाकी से सारे सवालों का जवाब भी देते हैं एक सवाल उठ रहा था कि जिस तरीके से दलित चेहरे को लाने के लिए आनंद का नाम आया इसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि आपके पार्टी के अंदर नेताजी और अखिलेश यादव पे दबाव इसके बारे में हमारा साथी आनंद मेरे बगल में खड़े मैं चाहता हूँ मेरे बाद उन्हीं कंट्रीब्यूट लें जो कुछ तकनीकी परिस्थितियाँ थीं जिनका उन्होंने अपने लेटर में जिक्र किया और स्वाभाविक तौर पर अगर वो कहीं दिक्कतें जिस तरह से बीजेपी ने एमएलसी के चुनाव में पंचायत चुनाव में जो ट्रैक रिकॉर्ड चला रहा है बीजेपी का हो सकता हमारे साथी का नामांकन आज रद्द कर दिया होता ऐसी कुछ सामने शंकाएँ चिंताएँ थीं जिसकी वजह से साथी सुनील जी ने ही अपने को विड्रॉ किया और आखिरी समय पर अगर सुनील जी लड़ रहे होते तो आज हम उनका नामांकन और प्रचार करने के लिए आपके बीच होते और मैं ही नहीं सुनील जी भी पार्टी से उम्मीदवार होते तो शायद मुझसे भी बड़े वोटों से चुनाव जीते होते क्योंकि समाजवादी सरजमी है यहाँ कैंडिडेट तो बाद में
वो तो अब लोगों ने मौका दे दिया, लोगों ने चेहरे के तौर पे मुझे स्वीकार लिया। ये लोगों का बड़प्पन है, यहाँ के आजमगढ़ के लोगों का, यहाँ की पार्टी की लीडरशिप का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। अदरवाइज तो यहाँ पे जो भी पार्टी से उम्मीदवार और साइकिल में सवार होके आता, निश्चित तौर पर देश की लोकसभा तक आजमगढ़ के लोगों ने हमेशा पहुँचाया, फिर पहुँचाते। प्रशासन पे सवाल उठ रहा था, लेकिन हमारी रिटर्निंग अफसर निर्वाचन अधिकारी से बात हुई, उन्होंने कहा कि दो नागरिकता हो या दो वोटर लिस्ट हो या तीन हो, उससे नहीं, वोट तो एक ही जगह डालेगा और इससे निर्वाचन निरस्त नहीं हो सकता था। देखिए, कुछ शंकाएं थी, ऐसा नहीं है कि और बहुत सारी चीज़ें हम आपके बीच नहीं कही, लेकिन हाँ, सुनील जी ने खुद बातें की, कुछ तकनीकी दिक्कतें थी, अन्यथा तो वो उम्मीदवार थे ही हमारे, और मैं तो कल नॉमिनेशन कर पाया, वो पहले कर चुके होते। इसी पर विपक्षियों को मौका मिल गया। अरे कोई मौके की बात नहीं है, ये हमारी पार्टी, हमारे परिवार के फैसले हैं, ये हमारे परिवार के फैसले हैं जी। और वो फैसले किन परिस्थितियों में लीडरशिप को कहाँ पे लेने पड़ते हैं वो अलग बात है, अदरवाइज तो हम तो साथ ही इसको लड़ाने आए होते और वो मुझे लड़ा रहे हैं, यही तो परिवार है जी। धर्मेंद्र जी, एक अंतिम सवाल, की जिस तरीके से MLC की बात चल रही थी, अब सुनील आनंद का भी, सुशील आनंद का नाम MLC के लिस्ट में, वो तेजी से आया, ये वो क्लियर है? वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला लेंगे, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मैं तो इस समय, चूंकि मुझे समय भी कम मिला है, तो मैं अनुरोध करूंगा मुझे लोगों से ज्यादा मिलने का मौका दीजिए। ये फैसलों से का जिम्मेदारी और फैसलों का अधिकार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है, तो ये बेहतर होगा कि जवाब वही दे पाए, ये उन्हीं का हक है, उन्हीं का अधिकार। यूपी तक के लिए आपका एक मैसेज की, अब आप अपने तरफ से क्या मैसेज देंगे? बस मैं आजमगढ़ के लोगों से अपील करूंगा कि जिस तरह से समाजवादी परंपरा को उन्होंने निभाया है, मुझे भी अपना आशीर्वाद दें। इसके अलावा इस समय एक उम्मीदवार के तौर पर मैं क्या कह सकता हूँ। शुक्रिया धर्मेंद्र जी। तो ये थे धर्मेंद्र यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो अब आजमगढ़ में आए हैं, जिस तरह से बदायूं में और मैनपुर में हमें आशीर्वाद मिला है, आजमगढ़ की जनता की परंपरा रही है, समाजवादी को हर तरह से उन्होंने अपने हाथों हाथ लिया है, और अब की बार भी भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सापेक्ष समाजवादी पार्टी अपनी मिसाल को कायम करेगी। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।